विधानसभा सत्र के बाद सुजानपुर पहुंचे विधायक राजेंद्र राणा ने मंगलवार को सुजानपुर के सीमांत क्षेत्र जंदड़ू में एक भव्य नागरिक समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जंदड़ू क्षेत्र के 53 परिवारों के दर्जनों लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। इसी कड़ी में एपीएमसी के सदस्य व जंदड़ू पंचायत के पूर्व प्रधान प्रवीण कुमार ने युवाओं के साथ बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। इस दौरान प्रवीण कुमार के साथ शामिल हुए बीजेपी के लोगों में राजेश कुमार, सुरेश कुमार, कुलदीप सिंह, सुरेंद्र कुमार, संजू, मनु कटवाल, केयर सिंह, मेहर सिंह आदि लोग शामिल थे। शामिल होने के बाद एपीएमसी के सदस्य एवं जंदड़ू के पूर्व प्रधान प्रवीण कुमार ने भाजपा पर काफी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मंडल अब ठेकेदारों का मंडल बनकर रह गया है। सुजानपुर बीजेपी धना सेठों व ठेकेदारों की मंडली बनकर रह गई है, जहां आम कार्यकर्ता की कोई पहचान नहीं है। उन्होंने कहा कि हार का बदला लेने के लिए हर बीजेपी के उस कार्यकर्ता को आहत, अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन्होंने वर्षों तक बीजेपी को अपने विश्वास व समर्थन से सींचा और आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो सुजानपुर में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इस मौके पर विधायक राजेंद्र राणा ने सभी का स्वागत किया और उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सभी का पूरा मान सम्मान किया जाएगा और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी डिमांड होगी उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। डीजल और पेट्रोल इतना बढ़ गया कि रफ्तार तो आपकी नहीं चली, क्योंकि महंगा तेल है, तेल डलवाने के लिए आपके पास इंजन में पैसे नहीं है, ये तो फ्रीज हो गए। और तीसरा इंजन आपने जो बैंकों से लोन ले रहे हैं, नवार्ड बैंक से ले रहे हैं, फिर आप वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, वो इंजन आपका चलना शुरू हो गया है क्या? और उससे जो दो इंजन हैं, जो बिल्कुल सीज पड़े हैं, उनको टोचन करके खींच के लेके जा रहे हैं, आपने सुना होगा। तो मैं क्या, आपने तो प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया, चार आपने बजट पेश कर दिए, एक बजट आपका बच गया, आप तो जाने वाले हैं। कोई एक काम तो अच्छा कर जाओ जिसके लिए आपको लोग याद करेंगे। आप देखिए, दूर की नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं है,